हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रकृति की सुंदरता के हर एक आयाम समेटे हिमाचल के एक खूबसूरत से गांव झंझेली में। अगर आप बाय रोड चंडीगढ़ साइड से आते हैं तो झंझेली पहुंचने के लिए चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सुंदरनगर से आगे डिडोर नामक जगह से आपको राइट टर्न होकर चैलचौक, बक्सियाद और थुनाग होते हुए झंझेली पहुंच सकते हैं। डिडोर से झंझेली की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है पूरा रास्ता और रुके हैं हम इस समय थोड़ा चाय पीने के लिए। देखो क्या ब्यूटीफुल इस समय व्यू है, ये देखिए काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर रुक करके चाय वाय पीते हैं, थोड़ा व्यूज को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये नजारा देखिए सामने आप, और ये देखिए यहाँ पर कितनी शांति है। और आपको दिन में भी देखो ये सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही है पूरे पेड़ों पे। झंझेली विलेज एक शांत और खूबसूरत जगह तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो झंझेली जाते हुए ही रास्ते में मिलेगा आपको ये शिव स्थली एक मंदिर है चमोली नाला। तो 5 मिनट आप यहाँ रास्ते में रुक सकते हैं और इसको थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कीजिए, घूमिए, दर्शन कीजिए शिव भगवान के। शिव मंदिर देखिए काफी शांत है और ये देवदार के पेड़ों के बीच में गिरा हुआ छोटा सा मंदिर है। इस सफर में सबसे पहले आता है चामोली नाला मनरेगा पार्क, जहां एक छोटा मगर खूबसूरत शिवस्थली है। यह पार्क झंझेली से लगभग 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस सफर के दौरान आप मंडी के छोटे छोटे खूबसूरत गांव से होकर गुजरते हैं और बक्सियाद नामक गांव में पहुंचते हैं, जहां आप विजिट कर सकते हैं छोई वाटरफॉल। छोई वाटरफॉल वैसे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, लेकिन आप अपनी जर्नी के दौरान इसको एंजॉय कर सकते हैं। बक्सियाद के बाद आप पहुंच जाएंगे थुनाग, जो कि झंझेरी से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है। यह यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। आप यहाँ से सफर के लिए जरूरी सामान और दवाइयाँ आदि खरीद सकते हैं। झंझेली पहुँचने से 3 किलोमीटर पहले आता है एक और फेमस पॉइंट पांडव शिला। तो आप यहाँ भी कुछ समय बिता सकते हैं और नदी के किनारे इस खूबसूरत जगह को एंजॉय कर सकते हैं। मान्यता है कि इस चट्टान को पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान निशानी के तौर पर रखा था। कई लोग पांडव शिला को भीमशिला के नाम से भी जानते हैं। इस शिला की खास बात यह है कि इसे एक उंगली से हिलाया जा सकता है। हालांकि आप इसे एक उंगली से हिला तो सकते हैं, लेकिन अपने स्थान से हटा नहीं सकते। पांडव शिला में स्थानीय लोगों की गहरी आस्था भी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पांडव शिला पर छोटे पत्थर फेंकते हैं। मान्यता है कि श्रद्धालु द्वारा फेंका गया पत्थर अगर पांडव शिला पर अटक जाता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये देखो ऊपर लोगों ने कितने पत्थर फेंक रखे, दिखाते हैं आपको। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोगों ने खूब पत्थर फेंक रखे इस पे। काफी लोगों की लगता है मनोकामना पूरी हुई होगी इस हिसाब से। तो
इसके अलावा जिस तरह से यह विशालकाय चट्टान एक छोटी शिला पर टिकी हुई है, वह भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। हवा काफी ठंडी चल रही है, मौसम सुहाना है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं इस समय। ये ऑन द वे है एकदम, जंजेली जाते हुए रास्ते में लगभग 2-3 किलोमीटर पहले पांडव शिला। थोड़ी देर रुकने के लिए अच्छी जगह है, आप रुक सकते हैं यहाँ पर 10-15 मिनट। ये सामने जा रहा है रोड जंजेली के लिए। ये है जी जंजेली, पहुंच गए हैं अब हम। ये देखो काफी सुंदर सा बना हुआ है, कलरफुल हट्स हाउसेस। झंझेली एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां आपको रहने के लिए हर प्रकार के होटल के साथ साथ होम स्टे भी मिल जाएंगे। काफी होम स्टे वगैरह भी बने हुए हैं यहां पर, हिडिम्बा होम स्टे, होम स्टे होटल्स वगैरह काफी है यहां पर। ये देखिए जी गांव में अभी भी कैसे लेडीज वगैरह गाय के लिए चारा लेके जा रहे हैं ये सारे। झंझेली में हम रुके हैं क्लब महिंद्रा रिजोर्ट में, जो कि नदी के किनारे एक शांत और खूबसूरत जगह पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। यहाँ बड़ी संख्या में सेब के बगीचे तो है ही, साथ ही यहाँ मटर, गोभी और आलू जैसी सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। कौन सी क्वालिटी है सेब की, ये कौन सा सीजन का बताइए, ये कौन सा सीजन है? इधर हो जाओ थोड़ा सा, तो अब ये सारे होली है, मतलब तोड़ रहे हैं आप इनको? खत्म है, एक दिन करा। अच्छा, एक दिन करा, बाकी खत्म है। खत्म है। इसका नाम है रॉयल गोल्डन, रॉयल और गोल्डन सेब की क्वालिटी का नाम। क्वालिटी ये है एप्पल ट्रीज में। ये नेट किसने लगाए जाते जो लगा रहे हैं आपने? ये ओले या पक्षी वगैरह के लिए भी है ना? पक्षी के लिए, पक्षी वगैरह जैसे खा जाते हैं उससे बचाने के लिए। तो इसमें बताया जाता है कि क्या गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है इसके लिए, नेट के लिए आपके देती है? देती है। अच्छा, हर साल मिलता है? मालिक है ये? अरे मालकिन जी, सेठानी जी, ये आपके हैं सारे खेत? क्या बात। कितने टाइम में हो जाते हैं आपके इसे लगाते हो, कब लगाते हो? और हाँ, 30 साल का। अच्छा, तोड़ लेंगे आप, कितने टाइम बाद आते हैं फिर? 6 महीने बाद अपने आप आ जाते हैं इसमें फिर? अब अप्रैल में आएंगे इसके बाद आप? ये एप्पल्स वगैरह तोड़े जा रहे हैं पेड़ पे से, ये देखिए, ये देखो जी कैसे एप्पल तोड़े जा रहे हैं। ये देखो सारे, ये पूरा लदा हुआ है। पहले अप्रैल में, फिर उसके बाद अगस्त। अरे वाह क्या बात। अच्छा अच्छा, तो चलो जी बढ़िया। और इस समय हम घूम रहे हैं झंझेली में, गांव में विजिट कर रहे हैं। काफी अच्छा गांव है वैसे तो, देखा जाए तो साफ सुथरा है। यहाँ होम स्टे होटल्स वगैरह भी अब तो काफ़ी बन गए, तो स्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ज़्यादातर घरों में आपके आसपास मिलेंगे। यहाँ एप्पल, एप्पल के बगीचे मिलेंगे आपको यहाँ पर, कई जगह देखे हमने रास्ते में भी। तो ये है जंजेरी गांव और देखो पहाड़ों से घिरा हुआ, चारों तरफ से छोटा सा शांत सा गांव। पूरे 12 महीने ठंड रहती है सर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जैसे ज्यादा गर्मी में ज्यादा ठंड में जैसे आसमान जैसा रहता है। अच्छा, बर्फ कब गिरती है? बर्फ गिरने अब अक्टूबर और नवंबर के महीने। अच्छा, अब गिरने वाली है? अभी इतना ही ना। हाँ, अक्टूबर के बाद ही होगा, थोड़ा 15-20 महीने के बाद। और जब टाइम तक रहती है? रहती है मार्च अप्रैल तक। अच्छा, हाँ जी, आपको बढ़िया लगता है ना? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत सा, साफ सुथरा, अच्छी जगह। हाँ, बढ़िया है ना। अच्छा। छोटे छोटे से गांव है, छोटे से गांव ने आगे बढ़ा है। बढ़ा है? हाँ। ये स्टार्टिंग है जंजीरी की, स्टार्टिंग ना। इसको बोलते हैं पिटारू, क्या बोलते हैं, बोलते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं इसको, टूरिज्म जैसे टोलने पड़े चोलू थाच बोलते हैं, चोलू थाच जिंजाली आई थोड़ी नीचे जैसी। अच्छा, जहाँ से आप लिंक से ऊपर आए वहाँ जिंजाली ना, चोलू था और यहाँ बोलते केवल नाम। अच्छा, तो क्या करते हैं आप यहाँ पर? क्या करता है सर, बिल्डिंग बनाने ना, बिल्डिंग जैसे खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। खेती बाड़ी भी करते, सेब होते हैं, खेती बाड़ी सेब के आपके भी बगीचे? सेब उगाते हैं पूरे साल, आलू बीजने गोभी। अच्छा। और सेब के बहुत सारा कुछ है ना। अच्छा, और इसमें लाइव चल आज। तो इस समय हम जा रहे हैं शिकारी देवी टेंपल। जंजेली से शिकारी देवी टेंपल पहुंचने का लगभग 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपको एक घंटे का टाइम लगभग लगेगा। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत रास्ता है, रोड वन वे है, नैरो है, मगर रास्ता खूबसूरत जंगलों के बीच से निकलता हुआ। जंजेली से बुला तक का रोड पक्का है, मगर उसके आगे शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू होते ही ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। ये है जी, हम एंटर कर गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकारी देवी के। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सारा। शिकारी देवी टेंपल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है जहाँ बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं। शुरू के 4-5 किलोमीटर तो रोड ठीक है, मगर उसके बाद ऑफ रोडिंग बताई जाती है, सारी ऑफ रोडिंग है इसमें। ये देखिए, और ये मंदिर तक ऐसे ही ऑफ रोडिंग बताया है कि लगभग 8-10 किलोमीटर ऐसे ही ऑफ रोडिंग रहेगा आगे मंदिर तक। तो देखते आगे का रोड कैसा है। तो रोड तो पूरा ही ये ऑफ रोडिंग है आगे लगभग 10 किलोमीटर का, स्टार्टिंग के 4-5 किलोमीटर छोड़ दिया जाए तो मंदिर तक ही पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग ही है, सारा कच्चा रास्ता है, मगर सेंचुरी के बीच में से जा रहा है तो काफी खूबसूरत रास्ता है। ये देखिए जी क्या ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। तो हम रुके हैं थोड़ी देर ब्यूटीफुल व्यू को यहाँ पर कैप्चर करने के लिए। देखिए सामने ये आपको भेड़े चरती हुई नजर आ रही है, ये सफेद बादल, नीला आसमान, ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और सामने ये पहाड़ के, देखो आप ये पहाड़ियाँ, क्या सुंदर लग रहा है इसमें ये व्यू, काफी खूबसूरत सीन है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए हैं शिकारी माता टेंपल, तो अब चलते हैं आगे। तो जी ये पहुंच गए हैं हम शिकारी माता टेंपल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये सामने पार्किंग है, यहाँ गाड़ी पार्क करके निकलेंगे आगे। पैदल आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टेयर्स ऊपर चढ़नी पड़ेगी मंदिर के, मंदिर तक पहुँचने के लिए। जंजेली तक चलने वाली सरकारी बसें भी अब डायरेक्ट शिकारी देवी मंदिर तक पहुँचने लगी है, तो आप इन सरकारी बसों से भी मंदिर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हैं अब हम शिकारी माता
के मंदिर पे। ये आप देख रहे हैं सामने एंट्रेंस है शिकारी माता का मंदिर का, और यहाँ से आगे चढ़ाई होगी स्टार्टिंग। तो बताते हैं हमें स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी, कोई कहता है 1000 स्टेयर्स है, कोई कितनी है, तो देखते हैं हम कितनी स्टेयर्स है, बाकी चढ़ाई शुरू करते हैं आगे। जय माता की। आइए, तो ये है जी एंट्रेंस मंदिर के लिए, और यहाँ से स्टेयर्स होती है शुरू मंदिर के द्वार पे। काली माता की और शेरावाली माता की तस्वीरें लगी हुई है दोनों साइड में। सामने गणेश जी की, ये स्टार्टिंग में कुछ शॉप्स है प्रसाद के लिए, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। कितने 50 हो गई, चलो अभी तो 950 बची है। बता रहे हैं ये 1000 सीढ़ियाँ पड़ेगी कम से कम, चलते हैं धीरे धीरे माता का नाम लेके। तो जी हम पहुंच गए, देखिए सामने नजर आ रहा है आपको, ये टेंट वगैरह लगे हुए खाने पीने का जो है स्टॉल्स वगैरह, और इसके आगे है थोड़ा सा ही माता का मंदिर, वो सामने माता का मंदिर नजर आ रहा होगा आपको। तो हम पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं है। लोग कहते हैं जी 1000 सीढ़ियाँ, मगर 1000 सीढ़ियाँ नहीं है, ये 500-600 सीढ़ियाँ होगी जो कि आपको चढ़नी पड़ेगी। तो लगभग आधा घंटे का टाइम लगेगा आपको पहुँचने के लिए मंदिर तक, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से चलते चलिए। तो ये मंदिर के पास ही शॉप्स वगैरह लगी हुई है, दुकानें, आप कुछ लेना चाहे प्रसाद वगैरह, प्रसाद की दुकानें हैं, प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से। ये जी दोनों साइड में स्टॉल्स है, दुकानें हैं प्रसाद की, और साथ ही खाने पीने के भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए दुकानें, और सामने नजर आ रहा है देखिए आपको माता का मंदिर। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिकारी देवी मंदिर मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी शिखरी पर स्थित है। लगभग 700 सीढ़ियों का सफर तय करके आप पहुंच जाएंगे शिकारी देवी मंदिर के द्वार पर। यह है माता का दरबार, टॉप पे है एकदम पहाड़ी के। बताया जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ कई सालों तक माता की तपस्या की थी, और उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर माता यहाँ विराजमान हुई। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। तो यह है माता शिकारी देवी का मंदिर, आप जो देख रहे हैं सामने, ये इकलौता मंदिर है जिसपे छत नहीं है माता के मंदिर पे, और यहाँ सर्दियों में काफी बर्फ गिरती है, मगर बताया जाता है कि मूर्तियों पे बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमती। तो ये देखिए यहाँ पर साल में 3 महीने ये जो मंदिर है बंद रहता है बर्फ की वजह से, काफी बर्फ पड़ती है यहाँ पर पूरे दरबार में, ये देखिए। बताया जाता है कि मंदिर कमेटी ने इस मंदिर पर कई बार छत डालने की कोशिश की, मगर वे इसमें सफल नहीं हो पाए। यहाँ आप पूजा भी करा सकते हैं, ये पूजा है, अगर आप पूजा पाठ कुछ कराना चाहते हैं तो यहाँ कराइए। और ये है मंदिर जो कि मंडी की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है, माता का मंदिर जो है, और यहाँ से आपको हिमालय के खूबसूरत व्यू नजर आएंगे चारों तरफ से। ये देखिए अभी आप जो नजर आ रहा है सामने, फोग काफी है इस समय तो क्लियर विजन नहीं है, मगर काफी दूर दूर तक के आप ये देखिए, काफी सुंदर व्यू है, आपको दिखाते हैं यहाँ से हम। ये देखिए ये नीचे शॉप्स हैं जहाँ से आप प्रसाद आदि ले सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, कुछ खाने पीने की भी दुकानें हैं। और ये देखिए ऑसम व्यू, हिमालय का काफी सुंदर व्यू आपको यहाँ से नजर आएगा 360 डिग्री में, दूर दूर तक फैले हिमालय।
और ये दिखाते हैं मंदिर का आपको पूरा व्यू अंदर प्रमाइसिस में। काफी साफ सुथरा मंदिर है। अगर आप झंझेरी आते हैं तो यहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। ये दर्शन कर लिए हैं, अब हमने माता के और अब हम चल रहे हैं वापस। क्या ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से नजर जो आ रहा है, ये देखिए सामने ग्रीनरी देखिए। जय माता दी। यहाँ से देख आते हैं आपको अल्टीमेट व्यू, देखिए आप कितना सुंदर व्यू है इस समय ये।